शांति। आज की तारीख है 10/6/21 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा भी हमें बीच बीच में शिव बाबा के जो गुण कर्तव्य या उस गुण कर्तव्य के ऊपर उनका जो नाम रखा गया है वो हमें याद कराते रहते हैं और शिव बाबा खुद भी अपना परिचय देते हुए हमें भिन्न भिन्न बातें स्वयं के प्रति की बताते रहते हैं। तो जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने अपना परिचय स्पष्ट और निर्माण हो करके दिया तो मम्मा उनसे जरूर यही बात सीखेगी। तो मम्मा ने भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का परिचय अपने गुण कर्तव्य कार्य की धारणाओं के द्वारा अपनी सेवाओं के द्वारा दिखा दिया कि बाबा क्या है, ब्रह्मा बाबा क्या है और हम उनके बच्चे उनसे शक्ति लेकर के क्या से क्या बन जाते हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा आज क्या कहते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अमर बाबा आया हुआ है। हाँ, अमर जो कभी भी मरता नहीं। तो अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। शिव को कहते हैं त्रिनेत्री, क्योंकि वो हम मनुष्य आत्माओं को जो हमारे दो स्थूल नेत्र हैं परंतु वो हमें आकर के तीसरा अव्यक्त नेत्र देते हैं और ये दो व्यक्त नेत्र हैं। तो व्यक्त नेत्र से व्यक्त जगत को देखते, अव्यक्त नेत्र से हम अव्यक्त शिव बाबा, परम धाम, सुख्यम वतन, फरिश्ते आदि आदि को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं, कौन सी क्वालिफिकेशंस उनकी देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं जो उनको देते हैं। उत्तर है, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो बिंदु, स्वयं को रूह समझ, रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। नंबर दो, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। वरदान सतगुरु बाबा का, मन मना भव की विधि के द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने, मन को रस आवे, मन को प्रिय लगे ऐसी स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे लोहे की जंजीरें
और महीन धागों के बंधन को तोड़ जीवन बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं। फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुने। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़कर बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान या देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी कर्मेंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अतिंद्रिय सुख व मन रस की स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मना भव की स्थिति चाहिए। स्लोगन, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ साथ खुशी की अनुभूति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।